नोएडा के सेक्टर 93B स्थित ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी में अतिक्रमण हटाना शुरू हो गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस बीच प्राधिकरण का बुलडोजर श्रीकांत त्यागी के घर के आगे पहुंच गया है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी पेड़ के आगे खड़ी हो गई है, जिसे अवैध रूप से लगाने का आरोप सोसाइटी वासियों ने लगाया है। इससे पहले प्राधिकरण की टीम बुलडोजर लेकर सोसाइटी पहुंची तो सोसाइटी वासियों ने गेट पर ताला लगा दिया था और कई लोग गेट पर बैठकर नारेबाजी करने लगे थे। उनके हाथ में तख्तियां हैं। सोसाइटी के गेट पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। प्राधिकरण के सर्वे में सेक्टर 93B ग्रेड ओमेक्स सोसाइटी में 100 से अधिक फ्लैटों के बाहर अतिक्रमण का पता चला था। सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु के पौधे लगाने के बाद लोगों ने प्राधिकरण व पुलिस को शिकायत की थी। अनु पौधे लगाने पर अड़ी थी और लोग इसका विरोध कर रहे थे। इसके बाद अनु के समर्थन में त्यागी समाज ने भी धरना शुरू कर दिया था और सोसाइटी में अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी। इसके बाद प्राधिकरण के SCO ने मौके पर पहुंचकर अनु और सोसाइटी के लोगों को 48 घंटे में खुद ही अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया था। सभी बातों पर सहमति बनने के बाद ही बृहस्पतिवार शाम को त्यागी समाज का धरना समाप्त हुआ था। प्राधिकरण के वर्क सर्कल और नियोजन विभाग की टीम ने 2 दिन तक सर्वे कर कब्जा करने वाले फ्लैटों को चिन्हित किया है। इसमें सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर अतिक्रमण करने वालों को साफ तौर पर कहा गया है कि वह अतिक्रमण हटा लें, लेकिन किसी ने भी अतिक्रमण नहीं हटाया।